What's up guys? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। My name is YTD शक्ति और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रेपसोल ब्लॉग। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आप सभी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के एग्जाम के बारे में, यानी कि जो भी छात्र UG एंड PG में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगातार मैं कोई भी वीडियो कोई भी कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ तो उसमें आश्र के इस टाइम आप सभी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं BA BCB काम और MSc MCOM के छात्रों को इस चीज़ को लेके आप सभी के कमेंट लगातार देखने को मिल रहे थे। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप सभी को एक वीडियो बनाया था जो पहले आप सभी की प्रस्तावित डेट थी एग्ज़ाम की, वो थी 15 मई 2024, बट उसके हिसाब से आप सभी के एग्ज़ाम को डेट को बदल दिया गया और दोबारा से आप सभी के प्रस्तावित डेट को रखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि आप सभी के जो प्रस्तावित डेट दोबारा से निर्धारित हुई है वो कब से है और आप सभी के जो टाइम टेबल है कब तक आने के चांसेस है, एग्ज़ाम कब से होगा, और आप सभी के जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप सभी के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसको आपके एग्ज़ाम से पहले ही करा दिया जाना है, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है और 11 मई यानी कि कल के डेट से आप सभी के जो पोर्टल है प्रैक्टिकल के उसको ओपन कर दिया गया है और उसकी अंतिम तिथि 26 मई 2024 तक थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो जो भी छात्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो के जाके देख लें और उनके प्रैक्टिकल कब से होगा वे अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके पता कर ले। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के एग्जाम के बारे में कि आप सभी के एग्जाम कब तक होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहता हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला आप सभी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित और आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि जो आप सभी के सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी छात्र BA BCB और MSc MCOM सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा सा भी वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ मैं आप सभी को कि जैसा कि अभी जो नोटिस आई है, ठीक है, प्रैक्टिकल की, उसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो है 26 मई 2024 तक। ठीक है, उसके बाद आप सभी के एग्ज़ाम कराए जाने वाले हैं। तो ठीक है, एक चीज़ बता दूँ, कल के डेट में एक कटआउट मिला है, यानी कि न्यूज़पेपर में आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में दिया गया था, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रस्तावित डेट आप सभी के एग्ज़ाम को लेके आई थी जो भी UG के PG के छात्र हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रस्तावित डेट पहले था वो था 15 मई 2024, बट उस डेट में आप सभी के एग्ज़ाम को निर्धारित नहीं किया गया, यानी कि सुनिश्चित नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप सभी के जो एग्ज़ाम है उसकी प्रस्तावित डेट दी गई है और उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो न्यूज़पेपर कटआउट है उसको देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, कल के डेट में यानी कि 11 मई 2024, ठीक, उस डेट में एक नोटिफिकेशन आया है जिनमें आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कटआउट, जो लोग कल का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे उनको देखने को मिला होगा, नहीं तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे देख सकें लिखा गया है गर्मी के छुट्टियों के बीच होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया है, अयोध्या का ये न्यूज़ है और यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का प्रशासन भी गजब है, बीव में गर्मी की छुट्टियों के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी, इसके लिए किसी भी शिक्षक व कर्मचारी को जरूरत के हिसाब से बुलाया जा सकता है। बीव प्रशासन के इस आदेश पर शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। शिक्षक संघ ने परीक्षाओं के बहिष्कार की चुनौती दी है, हालांकि बीव प्रशासन अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अवध विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ की ओर से परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर गर्मी की छुट्टियों की मांग की गई है। इस पर कुल सचिव डॉक्टर AK मिश्र
ने शुक्रवार को पत्र जारी कर बताया कि व्यू में 23 मई से 4 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी, लेकिन साथ में ही पहले से निर्धारित परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं लिखा गया है आवासीय परिसर का कार्यालय खुला रहेगा, परीक्षा के दौरान शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। पत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में संबंध महाविद्यालय की प्राचार और आवासीय परिसर के निर्देशक व विभाग अध्यक्ष के बुलाने पर शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है शिक्षकों ने दी परीक्षा बहिष्कार की चेतावनी। शिक्षण संघ के डॉक्टर जन्मेजय तिवारी ने बताया कि व्यू प्रशासन की ओर से जारी आदेश का विरोध किया जाएगा। 27 मई से परीक्षाएं शुरू हैं और 23 से छुट्टियां करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा गया है 2.5 साल से नहीं मिली छुट्टियां। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका जो एक कटआउट है मैं दे दूंगा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, या जो लोग कल का न्यूज़पेपर देखे होंगे उनको ये पढ़ने में मिला होगा कटआउट। ठीक, एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, आप सभी की जो प्रस्तावित डेट दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं 27 मई से परीक्षाएं शुरू हैं। ठीक है, यानी कि आप सभी की जो प्रस्तावित डेट है उसका जो है, ठीक है, 27 मई 2024 से आप सभी के एग्ज़ाम के प्रस्तावित डेट निर्धारित की गई है कि आप सभी के जो एग्ज़ाम है यूजी एंड पीजी के छात्रों के सेमेस्टर के वे 27 मई से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी प्रस्तावित डेट आई हुई थी जिसमें 15 मई बताया गया था, और अब की बार जो आप सबका प्रस्तावित डेट आया है उसमें 27 मई 2024 दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो 27 मई से कराए जाए, तो आप सभी तैयार रहें अपने एग्ज़ाम के लिए, और आप सभी के प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए हैं तो आप सभी अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट बनाए रखें, और आप सभी का प्रैक्टिकल जब जब रहता है अपने कॉलेज से संपर्क करके अपने प्रैक्टिकल को संपन्न कर लें। ठीक है, और आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो 27 मई से प्रस्तावित डेट है कराए जाने के संभव है, और अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है आप सभी को एग्ज़ाम को लेके तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको जरूर अपडेट दूंगा। और एक चीज़ उसके लिए आप सभी को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको सबसे पहले अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो गाइस, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है या सजेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी जानकारी आप सभी को चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।